राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए जब श्री सुखदेव जी को 6 दिन बीत गए और तक्षक यानी सर्प के डसने से मृत्यु होने का एक दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आता देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो रहा था। तब सुखदेव जी ने परीक्षित को एक लौकिक कथा सुनानी आरंभ की। राजन, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि हो गई और वर्षा होने लगी। राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक बहेलिए की झोपड़ी देखी। वह बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक और उसने मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। वह झोपड़ी बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, दुर्गंध देखकर ही मन खराब हो गया, लेकिन उसने सिर छिपाने का कोई और आश्रय ना देखकर उस बहेलिए से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहरने के लिए प्रार्थना की। बहेलिए ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं, मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। उन्हें इस झोपड़ी की गंध ऐसी भा जाती है कि फिर वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में ही रहने की कोशिश करते हैं एवं अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए मैं अब किसी को भी यहाँ नहीं ठहरने देता। मैं आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह सुबह होते ही इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। यहाँ तो वह संयोगवश भटकते हुए आया है, उसे तो सिर्फ एक रात काटनी है। तब बहेलिए ने राजा को वहाँ ठहरने की अनुमति दे दी, पर सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली करने की शर्त को दोहरा दिया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने में झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह जब उठा तो वही सबसे परम प्रिय लगा। राजा जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वही निवास करने लगा और बहेलिए से वहीं ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा के लिए रहने के लिए झंझट करना उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वह राजा कौन था? उसका नाम तो बताइए, मुझे वह तो मूर्ख जान पड़ता है जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक वहां रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, वह बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही हैं। इस मलमूत्र की गठरी देह शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहाँ से आप आए हैं, फिर भी आप मरना नहीं चाहते, क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग गया और वे बंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। वस्तुतः यही सत्य है, जब एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ इस कोख से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सुमिरन करूँगा।
और जब वह जन्म लेकर उस संसार में आता है तो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि मैं ये कहाँ आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। फिर धीरे धीरे उसे उस गंध भरी झोपड़ी की तरह यहाँ की खुशबू ऐसी भा जाती है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।